तो क्या हो गया? हम सब मिलके ना सर, प्रधानमंत्री भी तो नौकर है। अरे नौकर बोलेंगे, मालिक है हमारा, प्रधानमंत्री हमें बना रहा है। पर हमारी मांग है कि यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन कराया जाए। बहुत शर्म की बात है कि देश का प्रथम नागरिक, वो भी महिला दलित, वो भी महिला दलित, और उनको इस फंक्शन में नहीं बुलाया जा रहा। ये एक बदमाशी है। उद्धव साहब ठाकरे जिंदाबाद, मानिए उद्धव साहब ठाकरे जिंदाबाद। ये जो आंदोलन है, ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के जो सरकार ने जजिया कर लगाया है उसके खिलाफ है। आपने आपने कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसकी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी भाजपा की, भारत सरकार की। गुंडागर्दी कर रहे और क्या है? गुंडागर्दी हिंदुओं पे कर लगाया जा रहा है, नाजायज कर लगाया जा रहा है। सब यात्रा फ्री कर हुआ करता था, तब जब 35 रुपए का कर हुआ करता था। जब अमरनाथ यात्रा का शुल्क 35 रुपए हुआ करता था, उस टाइम में भी सिंधु परिषद, भजन दल, RSS, भाजपा जजिया कर कहलाते थे। आज ऑनलाइन 120 रुपए, ऑफलाइन 120 रुपए हो गया। आज जजिया कर नहीं है वो, आज हिंदुओं पे अत्याचार नहीं है। मोदी सरकार हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है। किस पे अच्छा कर रही है? मुसलमानों पे भी अत्याचार कर रही है। नहीं, मुसलमानों का तो साथ और उनका विकास, मुसलमानों के साथ तो अच्छा कर रही है। इन्होंने अलग बात कहा है, इन्होंने कहा कि मुसलमानों का साथ है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें इन्होंने कहा कि हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, तो किसके साथ है मोदी सरकार? हमने यात्रा, मोदी सरकार सब देशद्रोही के साथ है, और हम बाला साहब के शिव सैनिक है और कट्टर हिंदुत्व पे हम बात करते हैं। हम चाहते सरकार ये जजिया करने लगा है। अभी मुसलमानों को पसंद नहीं करते? नहीं नहीं, जो देशभक्त है वो मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, सब होते हैं। जो देश के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू हो। नहीं नहीं बाबा आए हैं, नहीं नहीं बाबा आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री टाइप। वो कहते हैं कि जिनको यहाँ हिंदू, जय श्री राम नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जिसका धर्म है वो अपना धर्म अपनाए, आप धर्म की बात करें। देश के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो मोदी जी तो देश के खिलाफ नहीं, वो हिंदुओं के खिलाफ है। यात्रा पे जो कर लगाया है, वो किस कर को तुरंत वापस लें। सारे काम निपटा लो, जरूरी है 10 बार हवाई जहाज में जाओगे। हाँ। और देश को जो है ना, ये गए गुमराह करोगे कि मैं हमारे देश में बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे तो विदेशों के साथ रिश्ते भी तो मजबूत हो रहे हैं। अरे वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही देश में हम अपने भगवान के दर्शन करने जाएं, उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। मेरे भारत, क्या दिक्कत है? टैक्स नहीं देंगे, सब दे रहे हैं। भगवान जी से मिलने के लिए हम अपने मंदिर में दर्शन करने का टैक्स देंगे। किस बात का? अपने देश में अपनी यात्रा पे टैक्स देंगे, जबकि वो हिंदू की सबसे पवित्र यात्रा है अमरनाथ यात्रा। हिंदू के नाम से टैक्स नहीं देंगे सरकार? सरकार को टैक्स नहीं? हम चाहते हैं हर धर्म का सम्मान हो, हमारे धर्म का सम्मान हो, हर जगह टैक्स लगता है, आप भी दीजिए। मोदी सरकार हो, हम किसी की यात्रा का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी यात्रा की बात कर रहे हैं। हमारी यात्रा पे जो कर लगा है सरकार, वो अलग बात है। आप यात्रा का विरोध कीजिए, आप यात्रा का विरोध कीजिए, टैक्स का विरोध कीजिए, लेकिन मोदी को क्यों बीच में गाली? ये जो कानून कौन लाया है? ये इमरान खान लाया है क्या? ये कानून इमरान खान लाया है क्या? ये चाइना लाया है? ये चाइना लाया है? ये कानून क्यों कौन लाया है? ये केंद्र सरकार लाई है। तो हमारा सरकार के खिलाफ प्रचार, मांग कीजिए, इज्जत से मांग कीजिए, तमीज से मांग कीजिए। मांग की, मांग से कुछ हल नहीं हुआ। वो देखिए उधर महिला पहलवान, उधर वहाँ भी जा रहे हैं, अब जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे। देख सकते हैं ये लोग बाबा ठाकरे के, बाबा ठाकरे के, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे के ग्रुप शिवसेना की तरफ से ये लोग आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि कट्टरपंथी बंद, मतलब सॉरी, जय श्री राम जो बोलेगा वही देश में रहेगा, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा में जो 220 रुपए पंजीयन लग रहे हैं पंजीकरण करने के लिए, उसको बंद किया जाए। और मोदी जी के खिलाफ ये लोग भर भर के जहर उगल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के साथ, और खुद का विकास कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही के साथ मोदी जी है। ये गलत है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते आप। मोदी सरकार होश में हो, देख सकते हैं। अरे आप ऐसे नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री हमारे। तो क्या हो गया? हम सब मिलके ना सर, प्रधानमंत्री भी तो नौकर है। अरे नौकर बोलेंगे, मालिक है हमारा। अभी देख रहे हैं नए संसद भवन में अभी द्रौपदी मुर्मू यानी कि माननीय राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। अलग है, आप क्या कहेंगे?
तो वो हमारे टैक्स का है। अरे उस पे आप क्या, मोदी जी के घर से थोड़ा नहीं लगा। सुनिए, आप लोगों को मालूम होगा कि नया संसद भवन खुला है, नया संसद भवन बना है जिसमें कि माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। हम हमारी पार्टी ये मांग करती है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन कराया जाए। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसका? नहीं, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, पर हमारी मांग है कि यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन कराया जाए। बहुत शर्म की बात है कि देश का प्रथम नागरिक, वो भी महिला दलित, वो भी महिला दलित, और उनको इस फंक्शन में नहीं बुलाया जा रहा। ये एक बदमाशी है, देश के लिए गद्दारी है, ये इतिहास हमेशा याद रहेगा। और शिवसेना इसके हमेशा खिलाफ है, हमारे उद्धव ठाकरे हमेशा इसके खिलाफ है। देखा आपने, ये पार्टी भी जो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है उसको, उसके खिलाफ है, ये बहिष्कार कर रहे हैं उद्घाटन का। ये देखिए, ये लोग हवन करने वाले हैं। ये आप लोग हवन करने वाले हैं? क्यों बताइए पंडित जी। हाँ पंडित जी बताइए। ये विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। इस हवन से विश्व शांति हो जाएगा? देखिए मैडम, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, क्या मंदिर में हम घंटा बजाते हैं तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? आप बताइए, नहीं होते ना। घंटा बजाते हैं, हमारी आत्मा को शांति मिलती है कि मंदिर में गए, परमात्मा के मत्था टेका, घंटा बजाया, प्रसाद चढ़ाया, क्या भगवान प्रसन्न हो गए? आपको पता है, मुझे पता है। ये हमारी आत्मा धार्मिक, अगर कट्टरता ना हो तो उससे ज़्यादा शांति हो। ये धार्मिक कट्टरता नहीं है, ये सनातन धर्म। आपने कहा कि विश्व शांति के लिए, विश्व में अशांति क्यों फैलती है अगर धार्मिक कट्टरता हो, राजनीतिक कट्टरता हो? हर आदमी हवन के धुएं से शांति होगी, वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध, आत्मा शुद्ध होगी। आहुति देंगे, मंत्र का आह्वान करेंगे तो उसे आत्मा जीवा पवित्र होती है और आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए विश्व शांति के लिए हवन किया जाता है। विश्व शांति के लिए बड़े बड़े संत कहां से आए हैं आप? हम शादरा से आए हैं, कबूल नगर राजमाता मंदिर से। यहीं दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। आप लोगों को तो मना कर दिया गया है प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए? सुबह परमिशन दी है, अभी SHO साहब का फोन गया था कि आधे घंटे के लिए आपकी परमिशन दे रहे हैं, आप आ जाइए। आधे घंटे के लिए है परमिशन? हाँ जी, आधे घंटे के लिए परमिशन है। आधे घंटे में आप लोग यहाँ से जाएंगे हवन करके? हाँ जी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए हवन किया जा रहा है। हालांकि मुझे जितना मालूम है कि विश्व शांति तभी होगा जब धार्मिक राजनीतिक तरीके से, अगर कट्टरता, कट्टरपन, नफरत, दुश्मनी अगर ख़त्म हो जाए तब विश्व शांति होता है। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।